जी नमस्कार, एडवांस स्कूल मैथ एंड साइंस में आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास नाइन्थ का सीबीएसई बोर्ड पर चैप्टर वन लेके हम आए हैं और ये मेरा 30 मिनट का वीडियो चलेगा। 25 मिनट हम थ्योरी पढ़ाएंगे, 5 मिनट उसकी क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी का पूरा करवा करके आपको मैं कर दूंगा। तो अभी तो आपको जो समय है, जो भी समय है, मैं अब देख लिया कि आपको हमको 25 मिनट तक क्या करना है वो मैं कर दूंगा, फिर 5 मिनट के बाद उसका क्वेश्चन आंसर भी कर दूंगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम को, क्लास नाइन्थ को, मैथमेटिक्स को, चैप्टर वन पार्ट वन, एपिसोड नंबर भी वन है। एडवांस स्कूल ऑफ मैथ एंड साइंस में आप लोग का स्वागत है। अब यहां पर तुम्हारे पास जो है, पहला हम लोग बात करते हैं नंबर सिस्टम नहीं है बल्कि पढ़ना है फैमिली ऑफ नंबर। अब तुम्हारे पास दो चीज है, या तो नीचे से ऊपर जा सकते हो या ऊपर से नीचे आ सकते हो। बताओ मैं कैसे बताऊं। तो जनरली तुम नाइन्थ क्लास में चले गए हो, अगर एट क्लास तक बच्चा रहता ना तो मैं तुमको छोटे से बताता, पहले नेचुरल नंबर बताता, फिर होल नंबर बताता, फिर इंटीजर्स बताता, फिर रेशनल बताता, फिर रियल बताता, फिर उससे भी ऊपर कॉम्प्लेक्स होता। तो आप नीचे से ऊपर से दोनों से हम लोग देखेंगे, देखेंगे कैसे कैसे देखेंगे, ये बात को हम लोग चाहते हैं, जरूरी है। तो पहले नीचे से तुम लोगों को दिखाते हैं, सबसे छोटी नंबर आया उसका नाम था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सिंबल जानते हो? जानते हो यार, यार इसको काउंटिंग के नंबर को कहा जाता है। ये नेचुरल नंबर है, इसका सिंबल है रिक्टेंगल में या जीरो नहीं होगा। इसकी सिंबल याद रखना, ये नेचुरल नंबर का है। यह नेचुरल नंबर तुम्हें पढ़ना था 5 क्लास एंड 6 क्लास में। 5 और 6 क्लास में यह तुम्हें पढ़ना था। नेचुरल नंबर से थोड़ा ऊपर हुआ होल नंबर। कौन सा नंबर? होल नंबर, यानी इसमें जीरो शामिल हो गया। यह होल नंबर तुम्हें 6 क्लास में पढ़ना था और होल नंबर का सिंबल ये हो गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो तुम 7 क्लास में गया था, जेहलेन, जेहलेन आया। आया नहीं, वो वर्ड है। जे का अर्थ होता है संख्या, यानी इंटीजर। अब इंटीजर्स में देखो क्या हुआ कि निगेटिव भी हुआ और पॉजिटिव भी हुआ। इसे कहा गया इंटीजर्स, या जेहलेन का पहला लेटर जेड है, ये कहा गया। ये पढ़ना था तुम्हें 7 क्लास में। पता है इसकी सिंबल क्या हुआ? ये तुम्हारा हो गया होल नंबर का, और इसमें निगेटिव इंक्लूड हो गया, सॉरी, या आपका होल नंबर हो गया और इसमें निगेटिव हो गया। यह सिंबल किसका है जल्दी बताओ, इंटीजर्स या जेहलेन का? यानी आई से भी इंडिकेट कर सकते हैं और इसे जेड से भी इंडिकेट कर सकते हैं। अगला इससे आगे एक वर्ड आया, पता है, रेशनल नंबर।
रेशनल नंबर आया जिसे कोशेंट कहा जाता है यानी क्यू से, यानी इसकी सिंबल की बात किया गया तो इधर भी एरो बन गया निगेटिव के लिए और इधर आपका रेशनल, ये सिंबल हो गया। ये रेशनल नंबर 8 क्लास में आया। अब इससे भी ऊपर आया जिसे कहा गया रियल नंबर। तो रियल नंबर 9th में भी पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है और 11th क्लास में जाओगे आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। ये फैमिली का पहचान हुआ। अब हम कुछ सिंबल की बात कर लेते हैं। चूंकि सबसे पहले आया नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से इंडिकेट किया गया। अगर इक्वेशन फॉर्म में इसे देखा गया यानी आपको ऐसा एक्स का वैल्यू आना चाहिए जो नेचुरल नंबर हो, जैसे इसको ऐसे एक्स प्लस टू इज इक्वल टू थ्री। अब बताओ एक्स बराबर थ्री माइनस टू वन हो गया, बताओ वन नेचुरल नंबर है कि नहीं। इसी ढंग से आप बहुत सारे एग्जाम्पल तुम सोच सकते हो, क्योंकि तुम्हें सोचने से कौन रोक सकता, मैं कौन होता हूं रोकने वाला। ये आ गया, ये सब नेचुरल नंबर की बात हुई, समझ में आया। अब होल नंबर आया, इसका सिंबल होल हुआ, यानी यहां पर जो ये आएगा एक्स प्लस टू इज इक्वल टू टू, तो एक्स बराबर टू माइनस टू तो एक्स बराबर जीरो, यानी जीरो आ गया। अब हम बात करेंगे इंटीजर्स नंबर को, तो कोई कोई आई से और कोई कोई जेड से, जेड के बारे में हम बता दिया है कि जेएलएन से बना है। अब यहां पर बात करेंगे निगेटिव में भी हो सकता है, तो एक्स प्लस टू इज इक्वल टू थ्री या यहां पर 20 कर दिए तो एक्स बराबर थ्री माइनस 20 माइनस 17, यह देखो निगेटिव में भी आ गया। अब तुम्हें बात करना होगा रेशनल नंबर की, क्यों से इंडिकेट करते हैं, कोशेंट होता है, यानी यहां पर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू यहां पर 7 कर दिया या 6 कर दिया, तो 2x इज इक्वल टू 6 माइनस 3, सो 2x इज इक्वल टू 3, सो x इज इक्वल टू 3 बाई 2, यानी रेशनल नंबर का डिफिनेशन हुआ। रेशनल नंबर जिसे हम मेजर कर सकते हैं, पर में जिसे हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, लोगों के पास बोल सकते हैं, यानी ये तभी संभव होगा जब यह p अपॉन q के फॉर्म में हो, q नॉट इक्वल जीरो हो, वेयर p एंड q आर इंटीजर। स्पेलिंग देखते चलना, दिखना चाहिए। अब देखो रेशनल जब जान गया तो तुम्हें इरेशनल भी जानना चाहिए। तुमको आता है कि जाओ रूट टू रसगुल्ला लेके आओ, मुझे खाने का मन है, बाहर में जाए टेबलेट लेके आओ, तू लेके ही नहीं आएगा, कोई रूट टू रसगुल्ला देगा ही नहीं। तुमको कहे कि जाओ पाई केजी सेव ले आओ, सेव खाएंगे आज, ले आओगे? तुमको बोल देंगे ये केजी, ये सब इरेशनल नंबर है। दुकान वाले को तोलने के लिए कह दो कि मुझे रूट टू
चाहिए सामान दीजिए, क्या उसके पास बटखारा है? क्या उसके पास ये मेजरमेंट है? इसका होता है 1.414 समथिंग समथिंग समथिंग। लेकिन यही मैं कह दूं कि रूट टू को लगभग 1.414 कहते हैं, दुकान वाला झट से दे देगा 1414 बटे 1000। बोलो यस या नो? यानी जो दे सकता है, जो हम ले सकते हैं, वह रेशनल नंबर है, जिसे हम यूज नहीं करते हैं, इरेशनल नंबर है। इसको सबसे पहले महान गणितज्ञ पाइथागोरस साहब ने यूज किया था। कौन यूज किया था? पाइथागोरस। पाइथागोरस ने कहा कि हम इसको ज्योमेट्री से दिखा देंगे। कैसे? इसकी चर्चा हम करेंगे। यहां पर बोला वन यूनिटी ए और वन यूनिटी ए, और ये वाला रूट टू। अब समस्या ये उठता है, क्या इसको आप, इसके लिए आपको डिवाइडर चाहिए ना? डिवाइडर चाहिए तब आपके पास होगा। बिल्कुल, आप समझ गए होंगे डिफरेंस बिटवीन द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ऐसे भी इसको कहा जा सकता है कि आपका डेसिमल, आपका एनी डेसिमल प्लेस डिजिट आर नोन, रेशनल होगा। अगर तुम जानते हो रेशनल, नहीं जानते हो इरेशनल। जैसे मैं इतने दिनों से पढ़ा रहा हूं, रूटी की, रूट टू की वैल्यू हमसे पूछो, हमसे तुम पूछ दो कि यहां पर प्लेस पर क्या होगा, बोले नहीं। अगर बता भी दिया किसी कल से, अब कोई विद्यार्थी होगा क्या, सर आज हम पंगा नहीं लेंगे, ये पंगा ले लेंगे आज सर। हाँ, तो रूट टू के बारे में एक बार स्टूडेंट ने मुझे पूछा, हमसे बहाना पूछा, मैं बता दिया, सोमा पूछा, मैं बता दिया, हम पर किसी आ गया बोला लखमा प्लेस बताइए सर। हमने बोला भाई ये इरेशनल है, नहीं बता पाएंगे। तो उन्होंने एक प्रश्न किया कि पाई सर जब इरेशनल नंबर है तो ये 22/7 रेशनल क्यों है? मैंने कहा इसकी वैल्यू 3.14 समथिंग समथिंग होती है, जबकि इसकी वैल्यू रिपीट करती है। बोला कैसे? हमने 3 हुआ 1 आया, 7 एक 7, अब 3 बच गया, 7 × 28 2 बच गया, तो 7 × 14 हो गया, 6 बच गया, 7 × 8 = 56, और फिर 4 बचा, 7 × 35, फिर 5 × 7 = 49, पुनः यही हो गया। यानी ये रिपीट कर रहा है, पीरियोडिक हम जानते हैं। अब हमसे तुमसे पूछो सौवां पोजीशन, मैं बता दूंगा, बोलो कैसे, बोलो कैसे। ये 6 पर रिपीट कर रहा है, सौवां प्लेस पूछा, 6 से हम भाग दे देंगे, 16 × 96 ये 4 आया, यानी चौथा डिजिट रिपीट करेगा, तो 1, 2, 3, 4 हमने जवाब दे दिया 8। यानी यह जो है कुछ ऐसा रोटरी स्विच में काम करेगा, 1, 4, 2, 8, 5, 7 पुनः 1। ये समझ में आपको आ गया होगा कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या है, ये अच्छे से समझ में आ गया। तो हम लोग पहला एक्सरसाइज पहले करने का हम बातचीत कर रहे हैं कि पहला एक्सरसाइज को कैसे करें। तो अगर आपको यहां पर प्रश्न पहला पूछेगा कि कौन रेशनल है कौन रेशनल नहीं है, यह पूछेगा, इसकी जवाब आप दे सकते हैं, बिल्कुल जवाब दे सकते हैं। आपको रेशनल पहचानने का, अब दो रेशनल के बीच में, यहां पर तुम्हें हम कोशिश करूंगा पिजन होल थ्योरम समझाने का। पिजन होल थ्योरम क्या है इसको तुम लोगों को समझना पड़ेगा। पिजन का मतलब कबूतर, होल का मतलब घोंसला। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं,
उस प्रश्न का जवाब देना। अगर आपके पास कबूतर तीन है, कबूतर नंबर वन, कबूतर नंबर टू, कबूतर नंबर थ्री, और आपने घोंसला दो बनाया और कबूतर को सेपरेट सेपरेट रहना है, तो बोलो सेपरेट सेपरेट रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? कैसे? यहां पर कबूतर वन, यहां कबूतर टू, और एक कबूतर को हम बाहर छोड़ देंगे तो ये तीनों को सेपरेट रहना है, तो ये दोनों घोंसला से बाहर निकलेगा तब ना मिलेगा। यानी पिजन होल थ्योरम क्या कहता है कि एक रड है, अगर इसको तीन टुकड़ा काटना है तो इसको दो बार ही काटना पड़ेगा। रेलवे में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो इस क्वेश्चन को, कि एक गरीब आदमी है, उसको सिगरेट पीने की आदत है और सात सिगरेट चुनता है तो एक सिगरेट बना के पी लेता है, और दिन भर में अगर 49 सिगरेट चुनता है तो वह कितना सिगरेट पिएगा? इस प्रश्न को देखो। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये अगली एपिसोड में इसकी मैं जवाब दूंगा, क्योंकि आपको यह क्लियर बात है कि अगर हमारी वीडियो देखते हैं तो आपको यूपीएससी बीपीएससी का इंटरव्यू की तैयारी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास मैं कॉमन सेंस विकसित कर दूंगा, मेंटल एबिलिटी इतना साफ कर दूंगा कि आपको यह सब क्वेश्चन में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। प्रेजेंट ऑफ माइंड, ये क्वेश्चन को आप लोगों को मैंने डाल दिया है। आइए हम लोग देखते हैं दो के बीच में, और ए और बी है, यानी यहां पर ये है, यहां पर बी है। अगर आपको तीन बताना है रेशनल नंबर, तो आप गौर से देखिए कितना भाग हो गया, गौर से देखिए सब लोग देखिए, तो एक दो तीन चार, यानी लॉजिक क्लियर हो गया कि जितना रेशनल नंबर निकालना रहेगा उससे एक ज्यादा से गुणा करेंगे। बोलो क्यों? तब निकल जाएगा। आओ इस पर देखते हैं क्वेश्चन। अगर मैं कह दूं कि टू और थ्री के बीच में पांच रेशनल नंबर निकालो, तो पहले तो इसकी एलसीएम ले लिया, एलसीएम तो वन है, पांच निकालना है, यानी यहां पर प्रैक्टिकली देखो ये दो है और ये है, सॉरी तीन है, और कितने निकालने हैं? पांच। एक यहां निकलेगा, एक यहां निकलेगा, एक यहां निकलेगा, एक यहां निकलेगा, बोलो एक यहां निकलेगा। तो एक दो तीन चार पांच निकलेगा, ये पांच निकल गया। अब देखो इसका पार्ट कितना हो गया, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, पांच, छह, छह पार्ट हो गया, यानी इसको हम सिक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर 12/6, यहां 18/6। अब देखो 12 और 18 में पहला 13/6, दिस इज द 13/6, हरा से कर देंगे सभी को दिखेगा, यहां 14/6, 15/6, 16/6, 17/6, हम समझते हैं कि आ गया सब लोगों को करने। बोलो। अब तुम्हारे पास एक फ्रैक्शनल वाला भी दे देता हूं। ओ घंटी अभी बजने वाला है, अभी घंटी नहीं बजेगा क्योंकि अभी घंटी बजने में थोड़ा सा देर है, बस एक देर है, समय सीमा हो गया था, बीच में थोड़ी सी लाइन कटी थी, अभी हमारे पास मोहलत है 3 मिनट का, इसलिए समय सीमा पर वो चला गया था। अब यहां पर 2/5 है और ये 3/7 है,
ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब देखोगे कि पहले 5C1 का एलसीएम निकाल दे, 35 हो गया, 35 पूरा करने के लिए इसे 14 चाहिए और इसको 35 पूरा करने के लिए इसको 15 चाहिए। अब बताओ इसमें कितना निकालना है तेरे को? निकालना है 3। बताओ मल्टीप्लाई कितने से करने पड़ेंगे? अरे भाई ये है, कितना निकालना चाहते हो? 1, 2, 3 निकालना चाहते हो। देखो कितने भाग में बढ़ गया, 1, 2, 3, 4। आया सब लोगों समझ में? 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 56 हो गया। बोलो यस या नो? 35 को कर दिया 140 हो गया, यहां कर दिया 60 और 140, यानी पहला आपको निकल चुका है 57/140 एंड सेकंड भी निकल गया 58/140 एंड थर्ड भी निकल गया 59/140। निकालने आ गया? अब घंटी बजने वाला है और घंटी बज चुका है, यानी हमारा क्वेश्चन सेशन चालू हो गया है, क्वेश्चन का विंडो चालू हो गया, यानी एनसीईआरटी का 1.1 का कहीं ना कहीं सोल्यूशन और लेने मात्र 5 मिनट का टाइम। अगर 5 मिनट 1 सेकंड हो गया, इसका मतलब हमारी स्पीड बरकरार नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया, अगर तुम्हें दम है भूल के दिखाओ। पहला क्वेश्चन देखो, इज ए 0 रेशनल नंबर? यस, 0 को लिख सकता है 0/1, पी अपॉन क्यू को फॉर्म में लिखा हुआ है क्यू नॉट इक्वल 0, पी एंड क्यू इज द इंटीजर्स। बोलो यस या नो? बिल्कुल सही जवाब। कैन यू राइट इन टू फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? बिल्कुल लिख सकते हैं, पहले क्वेश्चन की जवाब मिल चुका है। अब इसको 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, 0/4 लिख सकते हैं। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ये 3 है और यहां क्या है? 4। कितना निकालना है? 6। पेन को चेंज कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो इसमें डिवाइड कितने हो गए, पीला, चलो पीला यूज करने ना, ब्लू ब्लू, आज वेनेसडे है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 6 7, यानी कितने से करना होगा मल्टीप्लाई? 21 से, ओ सॉरी 7 से, और यहां पर 7 से किया 28। अब बोलो पहला मिला कि नहीं मिला? 22/7, अगला क्या हो जाएगा? 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 एंड 28/7। आपका ये रेक्टेंगल वाला पार्ट बिल्कुल अच्छे से आपको दिख गया होगा। कैसे हम लोग बढ़ते हैं, क्यों गुणा करते हैं, ये सारे जवाब आपका मिल चुका है। अगली प्रश्न ओ 5 खींचना है। देखो यार, ये भी बात को ध्यान में रखना है, ये 5 5 ठीक है, एलसीएम हो गया, कितने निकालना है? 5। तो 5 इसमें बांट दें, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कितने से गुणा करना पड़ेगा बताओ? 6 से। 6 3 18, 6 5 30, और यहां पर 24 एंड 30, यानी पहला वाला निकला कि नहीं निकला? क्या निकला? पहला निकला 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अगली प्रश्न, मैं आपको बताया था
कि अभी यहां पर स्टेप बाय स्टेप सिखाया था कि नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर आया, होल नंबर का बड़ा इंटीजर्स, इंटीजर से बड़ा रेशनल, उससे बड़ा रियल कॉम्प्लेक्स। इसको ऐसे पढ़ेंगे स्टूडेंट, एवरी नेचुरल नंबर आर होल नंबर बट एवरी होल नंबर आर नॉट रेच नंबर, बोलो या सर हो, तो ये सब जवाब आपको मिलने लगेगा। पढ़ने आ गया सब लोगों, क्या करा, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, दिस इज सही है, ये अपने कॉपी में बना लेना, एवरी इंटीजर्स इज होल नंबर, ऐसे उल्टा नहीं ना होता है, अरे बोलो नहीं ना होता है, बात समझ में आएगी ना, और एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, ये भी उल्टा नहीं आएगा। तो ये आपको ऐसा जो मंत्र बता दिए कि आपको कभी दिक्कत ही नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थ्योरी 1.2 जरूर देखें, एपिसोड नंबर 2 जरूर देखें, रेशनल के बारे में हम लेके आ रहे हैं, आप तब तक वेट करें।